हेलो नमस्ते गाइस, और आज हुई UFC 281 की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरऑल तो नॉर्मल रही, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइटर्स के कुछ मेन की पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट हिंट्स जो काफी ज्यादा मैटर करते हैं फाइट को लेकर, इसके बारे में आज वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैन फेवरेट पीपल्स मेन इवेंट फाइट, द डायमंड डस्टिन पोरिये वर्सेस आयरन माइकल चैंडलर। इन दोनों फाइटर्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट तो नहीं हुई, पर डस्टिन और चैंडलर इन दोनों ने काफी मेजर हिंट्स दिए अपनी गेम प्लान को लेकर अहेड ऑफ देयर फाइट। माइकल चैंडलर से पूछा गया कि लास्ट टाइम जब उसने फाइट की थी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में अगेंस्ट जस्टिन गेची, तो वो फाइट काफी ज्यादा फैन फेवरेट फाइट बन गई थी और उस फाइट को फाइट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इस प्रेजेंट फाइट अगेंस्ट डस्टिन पोरिये में भी फैंस के काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये वाली फाइट भी फाइट ऑफ द ईयर वाली जैसी ही हो। पर इस बार माइकल चैंडलर ऐसा क्या करेगा कि वो विनिंग साइड पे हो? इस पे माइकल चैंडलर ने कहा कि उसने सारे UFC फैंस को ये प्रूव कर दिया है कि वो एक एंटरटेनिंग और एक फाइट ऑफ द नाइट वाला फाइटर है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए, इसलिए अब उसका पूरा फोकस है फाइट को जीतने में और नेक्स्ट ईयर 2023 में लाइटवेट चैंपियन बनने में। इस पे डस्टिन पोरिये ने माइकल चैंडलर को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि ये तो फाइट में ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा, फैंस चाहते हैं उन दोनों के बीच वॉर हो और वो वैसा ही करेगा। डस्टिन ने कहा कि वो इस फाइट में आ रहा है टू फिनिश माइकल चैंडलर बाय एनी मींस। इस फाइट में वो लगातार अपने आप को पुश करता रहेगा नो मैटर व्हाट। बहुत मुश्किल है कि ये वाली फाइट फुल 3 राउंड्स जाए, और कौन किसको फाइट में नॉकआउट करेगा इस पे डस्टिन पोरिये ने डायरेक्टली कहा कि इस फाइट में वो जा रहा है माइकल चैंडलर को फिनिश करने के लिए। इसके बाद डस्टिन पोरिये से पूछा गया कि माइकल चैंडलर ने इस पूरे फाइट वीक में कहा है वो ये ट्राई नहीं करेगा कि इस फाइट को फाइट ऑफ द वीक बनाया जाए, वो सिर्फ ट्राई करेगा टू विन दिस फाइट। तो माइकल चैंडलर की इस स्टेटमेंट से क्या डस्टिन पोरिये ये समझता है कि माइकल चैंडलर इस बार रेसलिंग यूज करेगा? इस पे डस्टिन पोरिये ने काफी कॉन्फिडेंट होके कहा कि माइकल चैंडलर शुड बेटर रेसल। इससे हमें ये पता लगता है कि मे बी डस्टिन पोरिये ने एंटीसिपेट कर लिया है कि शायद इस फाइट में माइकल चैंडलर अपनी रेसलिंग यूज करे। गाइस, अगर माइकल चैंडलर ने गेम प्लान पे रहकर अपनी रेसलिंग को यूज किया तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाएगी। दूसरी तरफ आई थिंक डस्टिन पोरिये ने पूरा मन बना लिया है कि वो इस फाइट को डोमिनेट वे से फिनिश करना चाहता है ताकि नेक्स्ट फाइट उसकी टाइटल फाइट हो। अब बात करते हैं UFC 281 की द मेन इवेंट फाइट, द लास्ट स्टाइल बेंडर अनडिफीटेड मिडलवेट चैंपियन इजराइल अदेसानिया वर्सेस एलेक्स पोआतान परेरा। स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस नॉर्मल जा रही थी, पर एंड में इट गॉट अ बिट हीटेड। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं, एलेक्स परेरा कितना ज्यादा स्केरी लुक करता है। ऑल्सो उसका बात करने का तरीका भी काफी डिफरेंट है और स्केरी जैसा लगता है। नो वंडर एलेक्स परेरा के ओपोनेंट्स इतने ज्यादा नर्वस क्यों होते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एलेक्स परेरा से पूछा गया कि वो ऑलरेडी किकबॉक्सिंग में डबल चैंपियन है, तो इजराइल अदेसानिया से UFC की फाइट उसके करियर में कहां तक स्टैंड करती है। इस पे एलेक्स परेरा ने क्वेश्चन को साइडलाइन करते हुए कहा कि उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है यहां तक पहुंचने के लिए, और इस फाइट में नॉकआउट के अलावा कुछ और होना बहुत मुश्किल है। इसके बाद उससे पूछा गया कि उसने इस पूरी फाइट वीक में कहा है कि अदेसानिया के साथ उसकी फाइट पर्सनल नहीं है, पर इजराइल अदेसानिया कुछ और मानता है। इजराइल अदेसानिया कहता है कि 100% एलेक्स परेरा के लिए ये फाइट पर्सनल है। इस पे एलेक्स परेरा ने कहा कि इस बार फाइट हो रही है UFC में, सब जानते हैं कि लास्ट 2 फाइट्स में क्या हुआ था, पर वो उन दोनों फाइट्स को खुद भुला चुका है और इस बार वो ऐसे फाइट करेगा जैसे वो पहली बार अदेसानिया से फाइट करने लगा है। बाद में एलेक्स परेरा से ये पूछा गया कि काफी लोग मानते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट करना, वो भी इतने बड़े मेन इवेंट स्टेज पर। लोगों का ऐसा कहना है कि वो चैंपियनशिप फाइट इसलिए डिजर्व नहीं करता क्योंकि UFC में सिर्फ उसने 3 फाइट्स की हैं। एलेक्स परेरा ने इस पे आंसर देते हुए कहा कि काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता ये फाइट, इंक्लूडिंग अदेसानिया और उसकी पूरी टीम। स्टार्टिंग में जब वो UFC में एंटर हुआ तब अदेसानिया ने इमीडिएटली कहा था कि उसने एलेक्स परेरा के साथ फाइट करनी है, पर जैसे ही वो अपनी फाइट्स को जीतने लगा अदेसानिया और बाकी लोगों की ये बातें बिल्कुल बदल गई। इजराइल अदेसानिया ने उससे दूर भागना स्टार्ट कर दिया। मे बी अदेसानिया को ये पता चल गया था कि वो फिर से उसका सामना नहीं करना चाहता। एलेक्स परेरा ने ये भी कहा कि उसने अदेसानिया के माइंड को स्क्रू अप कर दिया है और अभी अदेसानिया मेंटली अनस्टेबल
लेबल है। इसके बाद इसराइल अदेसान्या से पूछा गया कि यूएफसी में एंटर होने से पहले भी जब भी एलेक्स परेरा की बात की जाती थी तो उसका नाम जरूर आता था एलेक्स परेरा के साथ, तो क्या इससे अदेसान्या को कोई प्रॉब्लम होती है? इस पे अदेसान्या ने कहा कि नो नॉट रियली, यूएफसी में उसने ऑलरेडी मिडिल वेट डिविजन को पूरा क्लियर कर दिया है, इससे एलेक्स परेरा का वे भी चैंपियनशिप फाइट के लिए इजी हो गया और इस चीज के लिए एलेक्स परेरा को ग्रेटफुल रहना चाहिए क्योंकि उसके बिना एलेक्स परेरा यहाँ स्टेज पर नहीं होता। इसराइल अदेसान्या ने कहा कि यूएफसी 281 में वो और उसकी पूरी टीम फाइट कर रही, उनके पीछे उनकी पूरी कंट्री न्यूजीलैंड उनको सपोर्ट कर रही और वो इस इवेंट में एज एन आर्मी की तरह एंटर कर रहे। इसका रिप्लाई देते हुए एलेक्स परेरा ने कहा कि ये सब जरा भी मैटर नहीं करने वाला क्योंकि फाइट के टाइम सिर्फ वो दोनों ही ऑक्टगन के अंदर होंगे और अदेसान्या को अपना बैटल खुद फाइट करना होगा। अदेसान्या ने भी क्विकली एलेक्स परेरा को रिप्लाई देते हुए कहा कि नॉट ओनली हिज पर उसके टीम मेंबर्स भी उसको सेव नहीं कर सकते, अभी एलेक्स परेरा के पास राइट है ट्रैश टॉक करने का तो कंटिन्यू करे, पर जब वो ऑक्टगन के अंदर होंगे तब उसको कोई भी बचाने नहीं आएगा। लास्ट में एलेक्स परेरा से पूछा गया कि वो नॉर्मली थोड़ा चुप रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पर क्या अभी वो डिफरेंट फील कर रहा स्पेशली इसराइल अदेसान्या के अगेंस्ट जो काफी वोकल होता है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस पे एलेक्स परेरा ने कहा कि उसका फोकस क्राउड पे नहीं पर इसराइल अदेसान्या पे है। लास्ट में इसराइल अदेसान्या से पूछा गया कि सारे फैंस जानते हैं कि उसकी और एलेक्स परेरा की स्ट्राइकिंग हाई लेवल की है, पर क्या हमें इस फाइट में ग्रैपलिंग और टेकडाउन देखने को मिलेगा? तो इस पे इसराइल अदेसान्या ने कहा ही विल टेक एलेक्स परेरा डाउन, वो एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके जाएगा और उसके फेस पर पंच करेगा। इस क्वेश्चन का एलेक्स परेरा ने भी आंसर करते हुए कहा कि वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है, काफी लोग उसकी ग्राउंड गेम को अंडर एस्टिमेट कर रहे पर वो सब सरप्राइज हो जाएंगे उसकी ग्राउंड गेम को देखकर, वो सबको प्रूव करेगा कि वो एक कंप्लीट फाइटर है। तो गाइस आई डोंट थिंक सो इसराइल अदेसान्या ने कभी टेक डाउन का अटेम्प्ट भी किया है, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि क्या इसराइल अदेसान्या एलेक्स परेरा के अगेंस्ट टेक डाउन करेगा और अगर इसराइल अदेसान्या ने टेक डाउन अटेम्प्ट किए तो क्या एलेक्स परेरा उन टेक डाउन को डिफेंड कर पाएगा। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस इवेंट को देखने के लिए। 280 के बाद इस साल का नेक्स्ट बेस्ट कार्ड 281 का है, होप सो सारी फाइट्स एज एक्सपेक्टेड एक्साइटिंग जाएं और मजेदार हो। और इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।